अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। शनिवार की दोपहर एआरटीओ कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी सर्वंग राम मिश्रा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी अचानक एआरटीओ कार्यालय पहुंच गए। जिला अधिकारी और एसएसपी के पहुंचने से एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया और दलाल और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। डीएम और एसएसपी एआरटीओ कार्यालय में दीवार कूद कर अंदर गए। यहां उनको कार्यालय के बाहर लोग मिले तो उनसे दोनों अधिकारी सवाल जवाब करने में जुट गए। दोबारा कार्ड के लिए 5 महीने से डोला नहीं मिल रहा कार्ड में। ये दोबारा कार्ड के लिए 5 महीने से दौड़ रिन्यू कराया मैंने दोबारा, क्यों ये नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मतलब ये प्रॉब्लम है सर, जो भी हैवी लाइसेंस है काफी सर पहले फर्जी बने थे तो मैं रिकॉर्ड चेक करा के ये तो हैवी हो गया। कोई सीमा तय की हो 5 महीने तो बहुत सर। एक्चुअली रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है तो कैसे हम रिन्यू करते हैं सर। या तो अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम कैश बुक से वो कि आपने कैश जमा किया होगा, फीस जमा हुई होगी, मैं वो निकलवा के चेक करा। इस तरह के कितने केसेस हो सर? सर फीस जमा नहीं हो रही काउंटर पे, कौन कर सकते चले गए पता नहीं कितने केसेस हो सर। मेरी फीस जमा नहीं हो रही काउंटर पे, केसेस उधर से आ जा केसेस पे 30% है। इसमें समाधान क्या है इसका? देखो इसमें जो भी इस तरह के तीनों एआरटीओ बैठे मेरे साथ, एसपी साहब को बैठ साथ बैठते हैं, एसपी साहब जो इस तरह के प्रॉब्लम है उसका भी समाधान आप ही को करना है। अगर नहीं हो सकता है तो उसको प्रोसीजर देकर खत्म कर दो कि आदमी दौड़े ना। 5 महीने से दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है 5 महीने? सर फर्स्ट क्रिकेट उसका काम तो मैं करूँ सर। पहले तो अधिकारी ने कार्ड जारी कर जारी तो क्या होगा। इनमें से कई लोग जब सही जवाब नहीं दे पाए तो उनको फटकार लगाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर सिंह है। आपको क्यों बैठा रखा जी? मुझे वेरिफिकेशन के लिए आया था, जब भीड़ लगी हुई थी मैं भी खड़ा हो गया भीड़ में, तो मुझे और कुछ पूछा कछा नहीं, हाथ पकड़ के खेस के बीच दीप में बैठा लिया। हाथ पकड़ के किसने बैठा? भक्त कुमार यादव ने कहा है। कोई साहब है? साहब प्रशासन से बैठा सकता है। मैडम ने बैठा लिया, मैडम ने उंगली करके बैठा। साहब है सर, ऐसा मेरा लाइसेंस 3 महीने से फीस जमा हुई 16/1/2018 की सर, और सर मुझे धक्का मार के भगा दिया। सर ये मैं अपना लाइसेंस दिखाने के लिए आया था और मैडम ने मुझको हमको पकड़वा दिया। ये देखिए हमारे पास लाइसेंस है, मैंने सर से शिकायत करी थी, एसएसपी साहब आए थे और उन्होंने पकड़वा दिया, पकड़ दिया। उनका आरोप आप दलालो? नहीं बिल्कुल नहीं है सर, देखो लाइसेंस है हमारे पास, मैं पूरा एड्रेस है, मैंने शिकायत की है एसएसपी साहब से। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां उनको जब गंदगी देखने को मिली तो उनका पारा हाई हो गया। इस पर अधिकारियों ने एआरटीओ बबता वर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई। एआरटीओ कार्यालय पर भले ही एआरटीओ बबता वर्मा ने नियमानुसार कार्य होने की बात कह रही हो, लेकिन इस अचानक पड़े छापे से साफ है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गौरतलब है कि इस कार्यालय से पूर्व में आतंकी कसाब का लाइसेंस भी जारी हो चुका है। खास करके एआरटीओ ऑफिस के आसपास से शिकायतें मिल रही थी कि दलालों के गिरोह सक्रिय है, जो जन सामान्य को पकड़ करके उनसे पैसे लेते हैं और कार्यालयों में काम कराते हैं। इसीलिए आकस्मिक रूप से हम लोगों ने आज यहाँ पर छापा डाला है। अभी कोई उस तरह से दलाल तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन ये कार्रवाई नियमित जारी रहेगी। कार्यालय का उसके अलावा आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया कार्यालय की सामान्य व्यवस्था के बारे में, और जो जनसामान्य लोग थे उनकी क्या कठिनाइयाँ उनसे भी बात की गई है। जो चीज़ें संज्ञान में है उसका निराकरण कराया जाएगा। सर कुछ कमियां भी मिली हैं? कमियां सामान्यतः तो आप खुद ही देखें, कार्यालय में गंदगी बहुत है। मथुरा कार्यालय में वाहन 4 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे 26 फरवरी से, जिसमें ऑनलाइन ही टैक्स जमा करिए। सारी पब्लिक से मेरी अपील है कि आप लोग ऑनलाइन टैक्स जमा करिए, सिर्फ बस के टैक्स के लिए आप आइए, कोशिश करिए फीस भी ऑनलाइन जमा हो ताकि आप लोगों को घर बैठे बेहतर सुविधा मिले। एक या दो बार ही ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े, बिना वजह यहाँ पे आने ना पड़े। और कुछ दिन बाद सारथी 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फीस भी ऑनलाइन कटेगी। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण,
सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000, अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर, कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।